जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेपीएससी सीएससी 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको पूरे क्वेश्चंस एंड आंसर की जानकारी दी जाएगी। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी आंसर की है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो आपका पेपर 17 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ है और जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, उससे मैं आपको यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। अब चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो सवाल नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, यानी कि खरगोश। सवाल नंबर दूसरा आता है आरएएम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो सवाल नंबर दो का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आरएएम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। इसके बाद यहां पर सवाल नंबर तीसरे पर हम आते हैं किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है। तो सवाल नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि साइबर वेंटिंग। सवाल नंबर चार है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है। तो सवाल नंबर फोर का जो राइट आंसर आएगा वह आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सवाल नंबर पाँच है ICAR दिवस कब मनाया जाता है। तो सवाल नंबर पाँच का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 16 जुलाई। सवाल नंबर छः है चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है। तो सवाल नंबर छः का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फिलीपींस में। सवाल नंबर सात है गन्ना है। तो यहाँ पर आपको आपके विकल्प दिए गए, तो सातवें का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, यानी कि कम दीप्तिकाल का पौधा। सवाल नंबर आठ है मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर आठ का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 20। सवाल नंबर नाइन है व्यावसायिक खाने योग्य गेहूँ में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है। तो सवाल नंबर नाइन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ABD जीनोम। सवाल नंबर दसवा है क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि जिप्सम के प्रयोग द्वारा। सवाल नंबर 11 है निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है। तो 11 का सवाल राइट का जो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, यानी कि तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र। सवाल नंबर 12 है जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज के किस हाथी का उल्लेख किया गया है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी कि नागपुरी पीठो, सॉरी श्यामचंद्र। सवाल नंबर आपका 13 है 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जामताड़ा ही ये प्रनाउंस होगा। तो सवाल नंबर 14 है संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मरांग मांझी। अभी गाइज यहां पर ये जो आपका सवाल नंबर 15 16 17 है इनके मेरे पास एग्जैक्ट आंसर अभी मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं इनको छोड़ दे रहा हूं। और आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है अगर आपने इनके आंसर दिए और आपको उनको पूरा श्योरिटी है, ताकि बाकी कैंडिडेट भी उनको देख करके ये बता सके कि हाँ आपने वो आंसर सही किए है या फिर उनमें भी गुंजाइश है, यानी कि वो भी आपने भी वो गलत किए हैं। तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा अगर आपने 18 तक जो आंसर है वो किए हैं। अब यहां पर हम 19वें सवाल पर आते हैं, जो कि है गिरडी को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1871 में। सवाल नंबर 20 है प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किसमें सबसे नजदीक है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, यानी कि मधुबन। सवाल नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च। सवाल नंबर 22 है 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 23 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि एनी एनॉक्स साहित्य। सवाल नंबर 24 है निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। सवाल नंबर 25 है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया गया था। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी,
यानी कि सूरीनाम। सवाल नंबर 26 है, दी कोलेशन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रणब मुखर्जी। सवाल नंबर 27 है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या फिर कौन से सही है? तो 27 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। सवाल नंबर 28 है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता UCC की बात करता है? तो 29 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 44। सवाल नंबर 30 है, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि न्यूयॉर्क। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर 31 का जो आएगा वह आएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य। सवाल नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो 32 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। सवाल नंबर 33 है, निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 34 है, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था, इस अभियान का नाम था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेशन कावेरी। सवाल नंबर 35 है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बिमल पटेल। सवाल नंबर 36 है, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई। सवाल नंबर 37 है, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर भी ऑप्शन डी है, जहां पर है जल संग्रह भंडार में जलपूर्ति में अत्यधिक कमी होने जिससे सामान्य वर्षों से पूरा किया जा सके। सवाल नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो 38 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद। सवाल नंबर 39 आपका आता है, याया तत्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो 39 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सवाल नंबर 40 है, लकड़ावाला समिति 1993 संबंधित है? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गरीबी आकलन से। सवाल नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। सवाल नंबर 42 है, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि व्हाइट बॉक्स अनुदान। सवाल नंबर 43 है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो 43 का राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 44 है, PM कुसुम योजना संबंधित है? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से। सवाल नंबर 45 है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। सवाल नंबर 46 है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ILO। सवाल नंबर 47 है, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊंट के संबंध में सही है? तो 47 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 48 है, गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर सही है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा 48 का वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। सवाल नंबर 49 है, डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो 49 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि असम। सवाल नंबर 50 है, अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है? तो 50 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि पर्यावरण क्षरण से। सवाल नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक मिली? तो 51 का राइट आंसर आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी, यानी कि बनावली। सवाल नंबर 52 है आपका,
नौ पाषाणिक पुरास्थल बूढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सवाल नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 53 का मेरे पास सही जवाब नहीं है, पर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ऑप्शन बी दिया है, तो आप बता दीजिए ये सही है या फिर गलत है। मेरे पास जिसकी अथॉरिटी है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये सही है, तो 54 क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वाकाटक वंश की। सवाल नंबर 55 है संगम ग्रंथ तोलकप्यम कार्य है, तो 55 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि व्याकरण पर। सवाल नंबर 56 है मुगल मनस बदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मीर बख्शी। सवाल नंबर 57 है मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मोहर। सवाल नंबर 58 है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो राइट आंसर है 58 का, वह ऑप्शन ए, यानी कि तुंगभद्रा। सवाल नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लाल महल बलबन। सवाल नंबर 60 है निम्न में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो 60 का जो राइट आंसर है वह है सी, यानी कि ख्वाजा अब्दुल समद। सवाल नंबर 61 है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कराची। सवाल नंबर 62 है निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि थॉमस मुनरो। सवाल नंबर 63 निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन मिरर। सवाल नंबर 64 है अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैश के बीच संपन्न हुई? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड मिंटो। सवाल नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 66 है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें? तो 66 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। सवाल नंबर 67 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 67 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सवाल नंबर 68 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो 68 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम। और सवाल नंबर 69 उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है? तो 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सह्याद्री नीलगिरी कार्डमम। तो ये सही जवाब है। और सवाल नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो राइट आंसर है 70 का ए, यानी कि कृष्णा। तो गाइज मैंने यहां पर आपको 70 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो मैं आपके लिए तब बनाऊंगा जब आपका इस वीडियो पर इंटरेस्ट आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके नीचे कमेंट करते हैं कि सर बाकी क्वेश्चन के भी आंसर की वीडियो बनाइए, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर की भी आंसर की वीडियो बनाऊंगा और जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 है उसके आंसर की भी वीडियो बनाऊंगा, बट ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। एंड बस यही थी जानकारी जो कि मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको यहां पर इस आंसर की के अकॉर्डिंग बहुत कुछ आपके क्वेश्चन का समझने को मिला होगा। एंड जो एक खबर आ रही है कि आपका पेपर लीक हो गया, तो उसके बारे में वैसे तो बहुत सारी न्यूज चल रही होगी और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने यहां तक आने से पहले ही वीडियो पर कमेंट भी कर दिया होगा कि पेपर लीक हो चुका है। तो मुझे इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरा जो काम है मैंने वो आपको दे दिया है, बाकी देखते आगे क्या होता है। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस आंसर की अकॉर्डिंग आपके कितने सवाल सही आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।